यूपी वॉरियर्स बनाम मुंबई इंडियंस के बीच 18 मार्च के दिन बड़ा मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में यूपी वॉरियर्स ने सभी को हैरान करते हुए मुंबई इंडियंस को शिकस्त दी। मुंबई इंडियंस की टीम पहली बार WPL यानी कि महिला प्रीमियर लीग में कोई भी मुकाबला हारी। पहले बैटिंग करते हुए मुंबई की टीम 127 रनों पर ऑल आउट हो गई और उसके बाद 19.3 ओवर यानी कि 3 गेंद शेष रहते यूपी ने इस मैच को 5 विकेट से अपने नाम कर लिया। इस मुकाबले में दीप्ति शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, लेकिन कईयों का यहां पर ये सवाल है कि भाई इक्ले स्टोन, जिन्होंने 4 ओवर में 15 रन खर्च करते हुए 3 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच ना देकर दीप्ति शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच क्यों चुना गया? अब इसके पीछे की जो वजह है वो दीप्ति बेहतर बता सकती हैं। दरअसल में दीप्ति की गेंदबाजी साधारण रही। 4 ओवर में 35 रन खर्चते हुए गेंदबाज ने 2 विकेट लिए। इस दौरान उन्होंने 3 वाइड भी फेंकी, लेकिन जो उन्होंने अंतिम ओवर में किया वो कारण है उनके प्लेयर ऑफ द मैच बनने का। आपको बता दें, अंतिम ओवर कराने उतरी दीप्ति शर्मा ने एक नहीं बल्कि 2 खतरनाक अंदाज में रन आउट किए और उनके ये रन आउट देखने के बाद फैंस को रविंद्र जडेजा याद आ गए। बता दें कि इस मैच में 4th गेंद पर वोंग जब बल्लेबाजी कर रही थी तो उन्होंने ऑफसाइड पर शॉट खेला, जिसके बाद वो 2 रनों के लिए दौड़ पड़ी। कलिता उस वक्त नॉन स्ट्राइकर एंड पर थी और वो अपनी क्रीज से दूर थी। दीप्ति चाहती तो वो नॉन स्ट्राइकर एंड पर थ्रो मारकर उन्हें आउट भी कर सकती थी, लेकिन यहीं से दीप्ति ने अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को दर्शाया। उन्होंने वोंग की तरफ निशाना लगाया और दूर रहते भी उन्होंने वोंग को रन आउट कर दिया। बल्लेबाज भी दीप्ति का ये थ्रो देखकर हैरान रह गई और उन्हें भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि दीप्ति इस तरह से उन्हें रन आउट कर देगी। इसके बाद आखिरी गेंद खेलने उतरी साइका इसक, उन्हें भी दीप्ति शर्मा ने इस तरह से रन आउट किया जैसे मानो रविंद्र जडेजा की आत्मा दीप्ति में आ गई। इसक ने गेंद को सिर्फ छुआ और उसके बाद वो रन लेने के लिए दौड़ पड़ी, लेकिन दीप्ति शर्मा ने अपनी फुर्ती के चलते इसक को भी रन आउट कर दिया और उन्हें 4 खाने चित करते हुए मुंबई को ऑल आउट कर दिया। दीप्ति शर्मा की फील्डिंग देखने के बाद तो दिग्गज भी हैरान रह गए और सभी की प्रतिक्रियाएं देखने वाली थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।